आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में रात के 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रहेगा रात्रि कर्फ्यू। देहरादून के नगर निगम के क्षेत्रों के अंतर्गत अप्रैल माह के प्रत्येक शनिवार और रविवार रहेगा साप्ताहिक कर्फ्यू। पूरे उत्तराखंड में अप्रैल माह के दौरान रविवार में रहेगा पूरी तरह से कर्फ्यू। जनपद देहरादून में आवश्यक सेवाओं और चीजों के लिए शनिवार को सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय संस्थान शनिवार को भी खुलेंगे। जिम, सिनेमाघर, रेस्टोरेंट में आ सकेंगे केवल 50% लोग। कोचिंग सेंटर पूर्णतः रहेंगे बंद। स्विमिंग पूल, स्पा सेंटर को भी बंद रखने के आदेश। कोविड 19 की चेन को तोड़ने के लिए राज्य सरकार ने जारी की है SOP। सख्ती से पालन करने के पुलिस विभाग को दिए हैं आदेश। कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर लापरवाही बरतना जीवन को संकट में डाल सकता है। चिकित्सकों की माने तो कोरोना वायरस इस बार 70% अधिक तेजी से लोगों में संक्रमित हो रहा है। ऐसे में खासतौर पर उन लोगों के जीवन के लिए ये खतरनाक हो सकता है जो कोविड 19 की पहली लहर में संक्रमित हो चुके हैं। हालात का अंदाजा महज इस बात से लगाया जा सकता है कि मात्र 16 दिनों में एम्स ऋषिकेश में भर्ती किए गए कोविड मरीजों की संख्या 199 पर पहुंच गई है। बीते 1 अप्रैल के बाद कोरोना संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या में 12 गुना बढ़ोतरी हुई है। एम्स के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने ऐसी स्थिति में प्रत्येक व्यक्तियों को मास्क के अनिवार्य इस्तेमाल और आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखने के नियम का हर हाल में पालन करने की सलाह दी है। यूं तो आजकल पहाड़ों में पानी की किल्लत छा रखी है। ग्रामीण क्षेत्र लोग दूर दूर से पानी ढो रहे हैं। यहाँ तक कि खुद मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में भी पानी की किल्लत हो रही है। मामला सतपुली के निकट चामुली सैंड गांव का है, जहां पर एक शिकायतकर्ता मालिक राज डोबियाल ने तहसील में शिकायत पत्र दिया, जिसमें उसके द्वारा कहा गया है कि कुछ दबंगों के द्वारा पेयजल की सिंचाई जल बनाने की वजह से गांव के कुछ परिवारों को पानी नहीं मिल पा रहा है। और साथ में ये भी कहा है कि ग्रामीण सभा की खुली बैठक में लोगों से कोरे कागज पर हस्ताक्षर करवाए जाते हैं और बाद में उसमें अपनी मर्जी से चहेते लोगों को फायदा पहुंचाने का कार्य लिख दिया जाता है। 3 महीने से हम परेशान है पानी से। 3 महीने से पानी नहीं आ रहा? नहीं। तो आपने इसकी शिकायत ग्राम सभा प्रधान एवं यहाँ पे किसी और से की? करी। हाँ, करी। किससे की? करी, प्रधान जी से बोला। तो प्रधान जी बोल रहे हैं कि हम मतलब व्यवस्था करेंगे तुम्हारे लिए। तो क्या व्यवस्था हुई क्या? अभी तो कुछ नहीं हुई व्यवस्था। मतलब 3 महीने से अभी पानी अभी कोई व्यवस्था नहीं हुई। यहाँ पे मीटिंग बैठी तो इस मीटिंग में कहा कि 7 दिन बाद तुम्हारे को पानी देंगे, लेकिन नहीं आए वो। आपका नाम क्या? कारण ये था कि यहाँ पे लगभग 28-30 परिवार है। 28-30 परिवारों में से करीब 18 परिवारों को शुद्ध पेयजल मिलता है और करीब 12 परिवार ऐसे हैं जिनको अशुद्ध पेयजल मिलता है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं है। जो उसका हेड है वो हेड से पानी ओवरफ्लो चल रहा है और जो दूसरा उसका वो है क्या कहते हैं उसको जो टैंक है वहाँ से पानी का डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है। एक परिवार के लिए जा रहा है 1.5 इंच पानी और पूरे गांव के लिए आ रहा है 1.5 इंच पानी। ये परेशानी की बात है, इसको ग्राम सभा प्रधान देखेंगे, क्योंकि ये लाइन जो इसमें खंड विकास अधिकारी द्वारिखाल के अंडर में चलती है, इसके लिए ग्राम सभा प्रधान इसके लिए जवाब देगी। मलिकराज डोबराल ने प्रशासन बुलाया गया कंप्लेंट की गई पानी के विषय में। मैं मलिकराज डोबराल का स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने शासन प्रशासन को जितलाया और ग्राम सभा को भी, और जो परिवार पानी बंद कर रहा है पानी जान रहा है उसको भी जितलाया। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, जब 1 साल पहले चमोली क्षण में जब 5 बार योजना यहीं पर बनाई गई है, यही लोग बनाने वाले भी है, ये लोग उसको ध्वस्त करने वाले भी है। अभी हमारी ग्राम सभा में 7 पानी की टंकी ऐसी हैं जो धूप सेक रही है, पानी का स्रोत नहीं है। जो 2 पूर्व विधायक चौबट्टे खाल के विधायक निधि से बन रखी है तो पानी की टंकी ग्राम सभा चमोली गाँव में, वहाँ पर पानी का स्रोत नहीं है वहाँ पर। और आज यही लोग पानी के लिए हमें वो कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं प्रधान प्रधान को। यहाँ पर लोगों के द्वारा हमें पानी की समस्या बताई गई है कि कुछ घर ऐसे हैं जिनके घरों में पानी पहुँच नहीं रहा है, तो उस संबंध में हमारे द्वारा यहाँ पर इंस्पेक्शन किया गया आज, जिसमें यही सलूशन निकला है अभी कि पहले जो ग्राम सभा के द्वारा यहाँ पर मीटिंग रखवाई जाएगी, कल ही मीटिंग रखवाई जाएगी, और उसमें आपसी लोगों की सहमति के द्वारा ही वो एक बार ये देख लें कि अगर कोई किसी परिवार के द्वारा पानी का मिसयूज करा जा रहा है तो उनकी पहले तो उन्हें समझाया जाएगा, अगर नहीं समझते हैं तो फिर नोटिस देकर उन पर फिर जुर्माना भी लगाया जाएगा। उत्तरकाशी जिलाधिकारी ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर बेहद घातक है। बाहरी राज्यों में कोरोना केस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। जनपद में ऐसी स्थिति ना आए इसलिए जरूरी है कि
कोविड के नियमों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। सभी एजेंसी, व्यापार मंडल सामाजिक दायित्व को निभाते हुए विशेष एहतियात बरतने के साथ ही लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा 45 साल की उम्र के व्यक्तियों को कोविड टीकाकरण के लिए जागरूक करते हुए प्रशासन का सहयोग करें। आमजन को कोविड संक्रमण से बचाव के लिए एसएसपी पौनी पी रेणुका देवी द्वारा जनपद के सभी थाना प्रभारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत थाना सतपुली द्वारा बीते दिनों में सरकार द्वारा जारी कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर बिना मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वाले 90 लोगों के विरुद्ध जुर्माने की कार्रवाई की गई है। वर्तमान में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर चल रही है, जिसके तहत हम सभी को सरकार द्वारा जारी जो गाइडलाइन है उसका पालन करना चाहिए। इसके तहत मास्क पहनना और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर अनावश्यक रूप से जाने से बचना चाहिए। और अभी मैं आपके माध्यम से सभी से अपील भी करना चाहूँगा कि सरकार द्वारा जो जारी गाइडलाइन है उसका हम सभी लोग पूर्ण पालन करें। सर, ये परिवहन व्यवस्था पर? हाँ, इसके तहत अभी जो सरकार के आदेश हुए हैं उसके तहत जो कमर्शियल व्हीकल्स जो चल रहे हैं उनमें आधा सवारी में उनको चलने के लिए बताया गया है। और साथ ही साथ जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वो पूर्ण रूप से बंद रहेंगे और जो रेस्टोरेंट हैं उनमें भी आधा लोग ही अभी रेस्टोरेंट में जा पाएंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री बच्ची सिंह रावत की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें उपचार हेतु एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया है। शनिवार पूर्व मंत्री बच्ची सिंह रावत को हेली एम्बुलेंस के माध्यम से हल्द्वानी से एम्स ऋषिकेश लाया गया है। उन्हें इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है जहां विशेषज्ञ चिकित्सक उनकी देखभाल कर रहे हैं। एम्स के जनसंपर्क अधिकारी हरीश मोहन थपरियाल जी ने बताया है कि चिकित्सकों द्वारा की गई शुरुआती जांच में पाया गया है कि पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री बच्ची सिंह रावत को सांस लेने में तकलीफ और उनके फेफड़ों में संक्रमण की शिकायत है। उन्होंने बताया कि विभिन्न परीक्षण पूर्ण होने के बाद उन्हें उचित उपचार हेतु शीघ्र ही आईपीडी में शिफ्ट कर दिया जाएगा। मसूरी नगर पालिका परिषद की कुछ दिनों पूर्व हुई बोर्ड बैठक में नामित सदस्यों के अधिकार को लेकर पालिका के चुने हुए सभासदों के द्वारा जमकर हंगामा किया गया था। वहीं अब नामित सदस्यों के अधिकार का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। नामित सदस्य मनमोहन शर्मा और अरविंद सेमवाल ने मसूरी भाजपा मंडल को इसकी शिकायत की है, जिसका संज्ञान लेते हुए भाजपा मंडल द्वारा शहरी विकास मंत्री को इस संदर्भ में पत्र लिखकर कार्रवाई करने की मांग की गई है। सल्ट उपचुनाव में जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर प्रत्याशियों की किस्मत को रिजल्ट तक ईवीएम में कैद कर लिया है। सल्ट उपचुनाव दोनों ही राष्ट्रीय दलों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ था। अब देखना ये होगा कि जनता किस पर मेहरबान हुई है। प्रभागीय वन अधिकारी रूप नारायण गौतम ने तुरंत अधिकारियों को ग्रामीणों की समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।